कर्नाटक में एक दंपति को 7,71,000 का मासिक बिजली बिल मिला, जिसकी तस्वीर सामने आई है। बिजली कंपनी ने कहा कि एक त्रुटि के कारण गलत बिल प्रिंट हो गया था, अब संशोधित बिल जारी कर दिया गया है। दंपति ने कहा कि हमें केवल 3,000 का मासिक बिल मिलता था, इस महीने का बिल हमारे लिए एक झटका था। राजस्थान के करौली में रोहिल और प्रियांश नामक जुड़वा भाइयों ने अपने पहले ही प्रयास में एक साथ नीट यूजीसी 2023 की परीक्षा पास की है। रोहिल को 720 में से 627 जबकि प्रियांश को 597 अंक मिले हैं। रोहिल के अनुसार दोनों मेडिकल फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं और 10वीं के बाद से ही दोनों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। अमेरिका में फेसबुक अकाउंट बंद किए जाने पर कंपनी के खिलाफ मुकदमा करने वाले शख्स को 41,00,000 का हर्जाना मिलेगा। शख्स के अनुसार कंपनी ने कारण बताए बिना उसका अकाउंट बंद कर दिया था और मामले में मदद करने से इनकार किया था। पेशे से वकील शख्स के अनुसार अदालत के फैसले के बाद फेसबुक ने उससे संपर्क किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान किया है कि सरकार महिलाओं को मनपसंद मोबाइल खरीदने के लिए पैसे देगी। उन्होंने कहा, सरकार लोगों को एक तरह से फोन दे सकती है, हम उन्हें उनकी पसंद का फोन खरीदने का विकल्प देंगे, इसके लिए राशि निर्धारित की जाएगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने पहले महिलाओं को स्मार्टफोन देने का ऐलान किया था। सरकार ने लोगों को चेतावनी देते हुए एक ट्वीट कर कहा, सोशल मीडिया पर अपनी किसी भी यात्रा की घोषणा ना करें, क्योंकि इस जानकारी का इस्तेमाल साइबर अपराध के लिए किया जा सकता है। इसके लिए सरकार ने कहा कि यदि आप ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार हैं, तो फौरन 1930 पर कॉल करें और cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट दर्ज करें। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।